हेलो। सो एनर्जी टॉक्स की सीरीज में ये है हमारा तीसरा वीडियो। इसके पहले कोरोना वायरस पे बनाया था, जिसका एक सीक्वेंस अभी बाकी है, जिसमें मुझे रेकी हीलिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके। सो हमें यूट्यूब पे एक रिक्वेस्ट मिली है, आप देख सकते हैं, राइट। बहुत ही एक्सेलेंट क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि हमारे गुरु कौन है, हम गुरु को कैसे ढूंढे और उस पे विश्वास कैसे करें, एंड लाइक दैट। सो इसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूँगा। ये स्टोरी कुछ 100-150 साल पुरानी है। ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ थोड़ी सी मॉडिफाइड है, कहाँ से ली है ये स्टोरी कंप्लीट करने के बाद ही बताऊँगा। एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम। वो उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब करता था, उस टाइम पे यानी जब ब्रिटिशर्स का राज था। तभी सडनली आउट ऑफ द ब्लू उसकी पोस्टिंग हो गई हिमालय में। ठीक है, हिमालय में उसने अपना काम रेगुलरली जैसे करना था वैसे करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन जॉब से छुट्टी लेके वो हिमालय के जहाँ पर भी उसका जॉब था, एकदम ही जंगलों में, वहाँ पर वो ज़रा घूमने सैर करने निकल गया। सैर करते करते काफ़ी टाइम चला गया, आगे चलता गया, लेकिन वापस आने का रास्ता मिल नहीं रहा था। वो खोने लगा, थोड़ी घबरामंड भी बढ़ने लगी। इस सिचुएशन में उसको किसी ने बुलाया, लेकिन इस बार उसको नाम दिया गंगाधर, गंगाधर के नाम से बुलाया। जब श्याम ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही यंग बंदा था, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही चार्मिंग। उस बंदे को देख के उसकी जैसे जान में जान आ गई, उसने बातचीत स्टार्ट की। उस बंदे का नाम हम ले लेते हैं नागराज, राइट। ये नाम भी सोच समझ के ही लिया गया है, जब मैं रेफरेंस दूंगा तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो नागराज ने श्याम से बात करना स्टार्ट किया, श्याम की जान में जान आई। नागराज बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी था और उस जंगल में था। बात करते करते श्याम ने नागराज से पूछा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे घर जाना है, यानी अपने जहाँ पर वो रहता है क्वार्टर्स या घर जाना है वहाँ का रास्ता बताओ मुझे। नागराज ने कहा कि मैं यहाँ पर रास्ता बताने ही तो आया हूँ। और फिर नागराज और श्याम किसी एक दिशा में आगे बढ़ गए। क्या है, यहाँ पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है ऑन गुरु एंड शिष्य। आप सोचेंगे कि ये स्टोरी में ऐसा तो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि गुरु एंड शिष्य के बारे में इतना डिटेल डिस्कशन इसमें हो गया है, राइट। अभी मैं इस स्टोरी का रेफरेंस जब दूंगा तब सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये स्टोरी मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की है इसको सिंपल बनाने के लिए। ये स्टोरी है श्यामचरण लहरी, जिसे हम लहरी महाशय के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो जो श्याम था वो ही वॉज एक्चुअली श्यामाचरण लहरी, लहरी महाशय। और नागराज जिनको मैंने रेफरेंस दिया है वो है महाअवतार बाबा जी, जो है श्यामचरण लहरी के गुरु। इस स्टोरी के बेसिस पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है तब स्टूडेंट गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु स्टूडेंट को ढूंढता है। क्योंकि गुरु समझता है कि ये स्टूडेंट अभी रेडी है, ये शिष्य बनने के योग्य हो गया है, ये अभी यहाँ से इसकी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट की जा सकती है। ये सारी चीज़ें गुरु समझ सकता है, स्टूडेंट नहीं समझ सकता, क्योंकि स्टूडेंट तो अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस में है। ठीक है, सो हमें गुरु को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, हमें सिर्फ हमारी प्रैक्टिसेस करते रहना है जिससे कि हम रेडी होते रहे। एक चीज़ ऐड कर सकते हैं हम, हमारे जिसको भी मानते हैं परम पिता परमेश्वर शक्ति या जिनको भी, उनको ये प्रे कर सकते हैं कि हमें हमारे गुरु या योग्य गुरु से जल्दी मिलवा दें। ठीक है, गुरु को कैसे ढूंढे, कहाँ से ढूंढे, कौन है मेरा योग्य गुरु, आप इसकी फिक्र करना बंद कर दीजिए। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी आप फॉलो करती हो, जितना भी आप फॉलो करते हो, उस प्रैक्टिसेस में आप फोकस कीजिए। जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे, नेचर तो आपको देख ही रहा है, तो जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे आपको अपने गुरु अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
लोगों के साथ इसको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।